ये पूरा टूट गया है दोस्तों, ये देखिए। और इधर देखिए दोस्तों, हम लोग का सोकर भी टूट गया आगे वाला। और देखिए एक अंकल जी आए हुए हैं पाल्हा लेकर के, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या कल हुआ। कल हम लोग का नया स्कूटी का पूरा धजिया उड़ गया दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम तहस नहस हो गया। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा घटना हो जाएगा। तो रांची पहुँच गया दोस्तों, देखिए रहा सुजुकी कंपनी का सर्विस सेंटर, सब चीज़ है। जो चीज़ लिखिएगा वही क्लेम में पूछेगा ना, वही चीज़ बताइएगा। अब ये नहीं कि बोलिएगा हम चला रहे थे और ढकेल दी। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कभी हम लोग सोचे नहीं थे दोस्तों कि ऐसा भी वीडियो हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक भूल के कारण से जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया कल। कल हम बाज़ार गए हुए थे और बाज़ार में हम एक साइड में गाड़ी खड़ा किए थे, और एक साइड में गाड़ी खड़ा करने के बावजूद भी एक दूसरा गाड़ी आया और पूरा एकदम गाड़ी को जो है एकदम धक्का लगा दिया, तो गाड़ी पूरा एकदम गिर गया दोस्तों। और गिरने के बाद जो दशा हुआ गाड़ी का, वो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। देखिए ये पूरा टूट गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम ये फाइबर फट गया है, ये देखिए कैसा दिख रहा है। और इधर देखिए दोस्तों, हम लोग का सोकर भी टूट गया आगे वाला। देखिए गाड़ी का पूरा एकदम पार्ट पार्ट पूरा एकदम बिखर गया, एकदम पूरा सोकर टूट गया, और उधर भी पूरा एकदम टूट गया। और देखिए एक अंकल जी आए हुए हैं पाल्हा लेकर के, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या कल हुआ, तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए यही सब कल हुआ है दोस्तों घटना। देखिए पूरा एकदम कैसे हो गया, देखिए इसको तो लगा दिए हैं बाद में, ये पूरा फेंका गया था। देखिए यहाँ पर ना टूट मिल गया तो इसको लगा दिए हैं, फिर भी अभी भी ढीला है एकदम, देखिए कैसे कर रहा है। और देखिए ये सब फाइबर पूरा एकदम उजड़ गया, इस सब को ऐसे ही खपा दिए हैं। कल हम लोग का नया स्कूटी का पूरा धजिया उड़ गया दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम तहस नहस हो गया। देखिए कैसा धूल मिट्टी एकदम काद वगैरह हो गया, देखिए पूरा यहाँ पर छिलाया है, ये देखिए पूरा एकदम रगड़ा करके कैसा हो गया है। सिर्फ आगे का सो नहीं टूटा है, ये सब बढ़िया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। देखिए बाकी सब पूरा एकदम देखिए कैसे हो गया है, ये वाला ही। देखिए इधर भी हो गया है, ये देखिए ये वाला, ये सब तो थोड़ा मोड़ा बाद में खपा दिए तो खप गया है, लेकिन अंदर का लोग जो है ना टूट गया है पूरा, ये सब को पूरा बदलना पड़ेगा तब जा करके बढ़िया होगा। देखिए आईना सब भी पूरा घूम रहा है, ये देखिए पूरा एकदम कैसे हो गया, देखिए फ्री हो गया पूरा, ये टाइट ही नहीं ले रहा है। और देखिए ये वाला भी खुल गया पूरा, ये देखिए। तो ये कंडीशन हम लोग का स्कूटी का हो गया है दोस्तों। कल हम शाम में गए थे बाज़ार, इधर साप्ताहिक बाज़ार लगता है हम लोग का गांव तरफ, तो वहीं पर गए हुए थे कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए, और हम साइड में गाड़ी खड़ी किए थे, लेकिन पता नहीं कौन सा गाड़ी आया और उधर से जो है ठेल करके एकदम भाग गया। फिर बाद में जब गिरा ना, उस समय लोग जो है बुला दिए हमको कि गाड़ी गिर गया है, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी गिरा हुआ है कि क्या हुआ है। वो तो मार करके भाग गया था एकदम, पकड़ने भी नहीं सके। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो ही गया है, तो अब इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी चलेंगे शोरूम इसको लेकर के, और वहाँ जा करके पूछते हैं, इंश्योरेंस है गाड़ी का तो क्लेम वगैरह होगा तो क्लेम वगैरह करवा करके, अगर कम पैसा में बनेगा तो बना लेंगे, और अगर बोलेंगे कि क्लेम करने में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो ऐसा ही अपना पैसा खर्च करके बना लेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, है ना जी। और देखिए अंकल जी बकरी के लिए पाल्हा लेकर के जा रहे थे, तो वही खड़ा होकर के पूछने लगे कि कैसे कैसे हुआ, तो सारा चीज़ ये घटना के बारे में बता दिए। रिमोट टेढ़ा है गला है, बेंड है गले, चला बेकरा बना ले भाई। देखिए रिम वगैरह भी बेंड हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम कैसे हो गया, पूरा ढक हो रहा है एकदम, देखिए कैसे हिल रहा है। और ये भी खिया गया है एकदम, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हम लोग का कल। और देखिए यहाँ पर भी हो गया है दोस्तों, ये देखिए टूट गया है, देखिए स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ था ना पूरा, देखिए फट गया, देखिए ये भी टूट गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ रखने के लिए होता था सामान वगैरह, लेकिन ये भी टूट गया। देखिए ऊपर का भी सौ में टूट गया है दोस्तों, ये देखिए, देखिए सब फाँक हो गया है, अभी सबको लगाना पड़ेगा, अब लगेगा कि नहीं पता नहीं, और नहीं तो फिर दूसरा चेंज करवाना पड़ेगा। तो अब ले करके चलते हैं शोरूम, वहीं पर पूछेंगे क्या क्या होगा वहाँ पर। तो यही सब सोच सोच करके काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों, इतना मुश्किल से हम लोग स्कूटी खरीदे हुए थे और इस तरह से नुकसान हो गया, अब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अब क्या होगा नहीं होगा, ये सब हम लोग सोच सोच करें ना काफ़ी एकदम चिंतित हैं कल से। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा घटना हो जाएगा, हम मतलब एक साइड में खड़ा किए हुए थे, ऐसा नहीं कि हम रोड में ही खड़ा कर दिए थे, लेकिन अब वो गाड़ी वाला कैसा था अब कैसे कहें, वो फोर व्हीलर था कि दो चक्का था पता भी नहीं चला। चलते हैं अब रांची शोरूम इसको लेकर के चलते हैं, तो चलते हैं फटाफट, थोड़ा रेडी होते हैं, खाना पीना भी खा लेते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। चलिए जी,
चलिए चलिए लक्ष्मी को लेते आइए। आओ लक्ष्मी आओ, चलो बाबू। और अभी का मौसम देखिए दोस्तों, पूरा पानी बारिश का मौसम बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा एकदम बादल छाया हुआ है, लग रहा है कि बारिश होगा, लेकिन ऐसे ही जाना पड़ेगा। बरसाती वगैरह ले लेंगे और चलेंगे क्या जी? चलिए चलिए खाना लगा दीजिएगा, खा लेंगे और निकलेंगे। देखिए तितली, हाँ देखिए कितना ज़्यादा तितली है दोस्तों बारी में। देखिए पूरा झोंपा होकर के बैठा हुआ है एक ही जगह में, देखिए कितना सारा तितली है। और इधर देखिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी को पूरा आनंद आ रहा है देख करके। देखिए तितली सब उड़ रही है, अब धीरे धीरे सब भाग जाएगी क्योंकि हम लोग का आवाज मिल गया ना उन लोग को, लग डरे अब भाग जाएगी। तो हम लोग आ गए दोस्तों कलवट घर, अब चलते हैं फटाफट खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए हम बैठ गए हैं दोस्तों। देखिए आज खाने में बना हुआ है दाल है और आलू और सोयाबीन का भुंजिया और भात बना हुआ है दोस्तों। देखिए इधर पिताजी भी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, क्या पिताजी? देखिए सभी कोई खा रहे हैं हम लोग खाना। तो खाना पीना हम खा लिए दोस्तों और कपड़ा वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और देखिए पेपर वगैरह भी ले लिए हैं गाड़ी का। अब इसको डालते हैं डिक्की में और लेकर के चलेंगे क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करवाएंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ले लिए हैं। अगर वहाँ पर मांग देगा तो दिखाना पड़ेगा। और देखिए इधर से कविता जी भी आ गए हमारा बरसाती लेकर के। प्लास्टिक में नहीं डाल दिए जी? वहीं डाल दीजिए। रखिए। गाड़ी का हेलमेट अंदर होगा, लाइए। तो देखिए इधर से कविता जी हेलमेट भी लेकर के आ गए दोस्तों, दीजिए। इसको यहाँ पर रख देते हैं अभी। तो आप चलते हैं दोस्तों, तार से बांध देते हैं जो टूट के उजड़ गया है, इसको लटका लेंगे नहीं तो पूरा फेंका जाएगा। इसको इस तरह से लटका लेंगे ना तो थोड़ा सा मजबूत रहेगा, जल्दी फेंकाएगा नहीं। यहीं पर बांध देते हैं इस तरह से, लटका उटका करके ले जाएंगे किसी तरह। अब तो खुला हुआ नहीं है किधर, यहीं पर खुला था, अब हो गया है। अब फटाफट निकलते हैं। तो सारा चीज़ ले लिए हैं दोस्तों और हम भी बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं, अब फटाफट निकलते हैं। ठीक है जी, जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो घर से निकल गए दोस्तों रांची के लिए, अब फटाफट सीधे रांची चलते हैं। चलाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों, बढ़िया चल रहा है, सिर्फ हड़बड़ 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 कर रहा है, वही दिक्कत लग रहा है। तो अभी शोरूम में दिखा ही देते हैं फटाफट, सीधे आप शोरूम में जाते हैं। तो रांची पहुंच गया दोस्तों, देखिए रहा सुजुकी कंपनी का सर्विस सेंटर। अब चलते हैं अंदर, गाड़ी लगाते हैं। नमस्ते अंकल जी, कल थोड़ा सा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। इधर पूरा टूटा हुआ है था। एगो गाड़ी वाला ठोक करके भाग गया, बाजार गए थे साइड में खड़ा किए थे, अब पता नहीं उसको जगह मिला कि नहीं मिला, अब भगवान जाने। तो अंकल जी बोल रहे हैं दोस्तों पहले इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, तो चलते हैं पेपर वगैरह निकालते हैं। इधर साइड में गाड़ी खड़ी थी बाजार के किनारे, मतलब बाजार लगता है गांव का बाजार, गाड़ी खड़ी थी ना? हाँ साइड में गाड़ी खड़ी थी और वहीं पर जो है एक गाड़ी वाला आया और ठोक करके भाग गया। सब चीज़ है, जो चीज़ लिखिएगा वही क्लेम में पूछेगा ना, वही चीज़ बताइएगा। हाँ, ये नहीं कि बोलिएगा हम चला रहे थे और ढकेल दी। तो आप चलते हैं दोस्तों सर्विस सेंटर के अंदर, यहीं पर सारा कार्रवाई होगा। इंश्योरेंस
आधार कार्ड पैन कार्ड। हाँ आधार कार्ड ये रहा और पैन कार्ड भी लगेगा। पैन कार्ड भी है। तो अभी हम केबिन के अंदर में बैठे हुए हैं दोस्तों और दीदी गए हुए हैं अभी जितना भी पेपर था उस सब का जेरोक्स करने के लिए, आधार कार्ड पैन कार्ड ओनर बुक लाइसेंस ये सब का जेरोक्स करने के लिए गए हुए हैं बाहर। और वो जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद में इंश्योरेंस क्लेम होगा, उसके बाद में हमारा गाड़ी का काम क्रिया होगा। तो अभी आ ही रहे हैं। तो सारा पेपर वगैरह जेरोक्स करवा लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस का क्लेम होगा। तो चलते हैं फटाफट लिखते हैं। अच्छा आप लिखेंगे हम साइन करेंगे ना? अगर बोलिएगा तो हम लिख देंगे। हाँ लिखिए हम साइन कर देंगे। लगभग 5-10 फीट के बाहर रोड के बाहर खड़ी थी। तो एप्लीकेशन लिखा गया है दोस्तों, अब इसमें साइन करना है और जमा देना है। देखिए इधर अभी दीदी गाड़ी का फ़ोटो खींच रहे हैं जिधर जिधर डैमेज हुआ है उस सब दिखाने के लिए। तो सारा चीज़ जमा कर दिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और देखिए अंकल अब अंदर घुसा रहे हैं सर्विस सेंटर के अंदर। अब हम भी चलते हैं घर निकलते हैं क्योंकि पानी बारिश का मौसम है और अभी पानी वगैरह आ जाएगा तो हम टेका जाएंगे। हम फटाफट निकलते हैं। तो अभी अभी घर पहुंच पाए हैं दोस्तों। आते आते पूरा एकदम बारिश में भींगे, देखिए कपड़ा लता पूरा एकदम भींगा हुआ है देखिए। और इधर अभी कविता जी आग जला दिए हैं तो यहीं पर सेका रहे हैं, थोड़ा सा सुखा लेंगे उसके बाद में खाना पीना खा करके आराम करेंगे, है ना जी। घर आने में काफ़ी हमको टाइम लग गया दोस्तों क्योंकि बारिश हो रहा था ना, तो जल्दी गाड़ी नहीं मिल रही थी तो आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसी में पूरा एकदम भींग गया क्योंकि हम लोग को यहाँ पर चौक से पैदल ही आना पड़ा ना इधर, इसलिए पूरा एकदम पानी में भींग गया। और अगर पानी वगैरह नहीं आता ना तो जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या करें पानी के चलते एकदम पूरा परेशानी हो गया। आज हमको ज़्यादा ही परेशानी हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ से गए उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में सारा इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने के बाद में पता चला कि 1 महीना तक शोरूम में ही गाड़ी रहेगा, उसके बाद ही जो है कुछ उपाय होगा। तो अब पता नहीं कब तक बनेगा कब तक नहीं, वो सब काम अभी बहुत ज़्यादा जो है डिले हो जाता है उस सब काम में, वो सब जो है मतलब बहुत लंबा प्रक्रिया में चला जाता है। तो शोरूम वाले जी बोले हुए हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना का समय लग सकता है, ऐसा बोल करके जो हमको भेज दिए। फिर वहाँ से निकले उसके बाद में गाड़ी पकड़े, उसके बाद में एकदम गाड़ी से जैसे उतरे इतना ज़्यादा पानी ना, एकदम भर रास्ता एकदम पानी है पानी मिला है। अब किसी तरह से चौक में उतरे तो फिर इधर फिर पानी मिला और भींगते भींगते आ गए। तो आज एकदम काफ़ी ज़्यादा एकदम हमको परेशानी का जो है महसूस हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। यही सब होता है दोस्तों। तभी आग वगैरह सेका रहे हैं, देखिए ताप रहे तो कुछ थोड़ा सा राहत मिल रहा है, एकदम इतना ख़राब लग रहा है ना कि क्या ही बोले एकदम। अब जब तक तो गाड़ी बनेगी नहीं तब तक तो परेशानी रहेगी दोस्तों, अब किसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। तो अब चलिए जो कुछ भी हुआ तो होना ही था, वो हो गया। अब जब गाड़ी बने अब क्या कर सकते हैं, वहाँ तो सारा प्रक्रिया करवा दिए हैं, सब चीज़ बोले हुए हैं और 1 महीना का समय लिए हुए हैं, तो देखते हैं कब तक बनता है। वो बोले हैं कि अपने हम फ़ोन करेंगे बन जाएगा उसके बाद में। तो चलिए फ़ोन का भी इंतज़ार करते हैं कब तक फ़ोन आता है शोरूम से, उसके बाद में जा करके गाड़ी ले आएंगे। तो चलिए आज सारा प्रक्रिया हो गया है उधर का, तो अब घर तो आ ही गए हैं, अब थोड़ा सा आग वगैरह सेका लेते हैं उसके बाद में खाना पीना खा करके आराम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।